दिव्य लोक से संदेश मंगलवार तेरह जुलाई उन्नीस सौ निन्यानवे प्रातः प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज एक सच्चे दिल से दिल तक संबंध के स्थापित होने के लिए हमारे बीच बातचीत के एक द्वार का अविलंब खुलना आवश्यक है हमारा मन हमारे अनुरोध पर शांत होने में सक्षम होना चाहिए ताकि हम जो संपर्क स्थापित कर रहे हैं उसकी वहाँ जगह बन सके माध्यम कहते हैं यह आप है जो मुझ में है या मैं आप में हूँ यह कैसे कार्य करता है क्या यह कंपनी या आदान प्रदान से संबंधित है यह तुमने जो कुछ कहा है उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है तुम इसे अनुभव कर सकती हो बस इतना ही पर्याप्त है और अधिक विवरण तुम्हें ज्यादा नहीं समझा पाएगा हम इन संबंधों की सहजता में ही रहते हैं जो हमें वर्तमान में संतुष्ट कर रही है ये सभी महान सिद्धांत हैं, जिनकी खोज के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय होगा केवल वर्तमान क्षण के लिए जीओ अपने आप को इतने से संतुष्ट रखो सतत स्मरण का विचार जिसे इतने गलत ढंग से समझा गया है वह नहीं है जो तुम सोचती हो अर्थात मालिक के बारे में लगातार सोचना यह उनसे पूर्ण रूप से जुड़े रहना है हृदय के माध्यम से संपूर्ण विश्वास और अधिकतम समर्पण के साथ तुम्हारा हृदय हमारे हृदय से जुड़ा हुआ चाहे कुछ भी हो यदि सतत स्मरण है इसका तुम्हारे मन से कोई संबंध नहीं है जैसा कि अब भी कुछ अभ्यासी मानते हैं इसके बिल्कुल विपरीत यह सब छोड़ देने और पूर्ण मिलन की वह दशा है जो मन के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है हृदय का खुलापन सारी गलत फहमियों को समाप्त कर देता है यह तुम्हारी विधि का एक बड़ा पहलू है अनवरत एवं निष्ठापूर्वक अभ्यास के लिए इच्छा शक्ति उपयोगी है लेकिन इसके अतिरिक्त सब कुछ इस हृदय की रहस्यमय राह में जिसकी ओर हम संकेत करते रहते हैं प्राप्त होता है हम तुम्हें उस स्थान के गुप्त द्वार को खोलने की चाबी देते हैं और जहाँ पर खजाना है तलाश करो तुम पाल लोगे कुछ बाबूजी महाराज